हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक एज अ इंडियन होने के नाते भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको प्राउड होना चाहिए कि एक आप इतनी पुरानी और एक इतनी वैभवशाली विरासत को हम लिए हुए हैं। आज उन सारे स्थलों को पढ़ेंगे, आज उन सारे विरासत स्थलों को पढ़ेंगे जो यूनेस्को की साइड में, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में दर्ज हैं। सो दोस्तों प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार सभी लोग, ठीक है, और लाइक कर दीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग कोमल, मुकेश, राजेंद्र, सनम, राजबाला, राजबाला मीना, आलिया गोल्डी, आली ममता, प्रियंका मेघ, जयंती, चित्रा सोनी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज का सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि आज एक सिंगल वीडियो में हम सारे के सारे जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, जितने भी हमारे जो धरोहर हैं जो यूनेस्को की साइट में दर्ज हैं, उनको सिर्फ एक ही लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा होएगा सेशन हमारा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे निकल जाएंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट में और हिस्ट्री दोनों के लिए ये जो टॉपिक है कॉमन टॉपिक है दोस्तों, तो इसको अंतिम तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। नाउ टोटल की बात करें तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 38 एट प्रेजेंट हेरिटेज साइट्स हैं, तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सो गाइज, हम एक इनिशिएटिव है हमारा कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर इन वेरी फर्स्ट क्लास, जो भी हमारी फर्स्ट क्लास होती है उसमें इसका आपको आंसर मिलता है। सो दोस्तों आज कल का हमारा क्वेश्चन था द बेस्ट वे ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू, ठीक है। इसके चार ऑप्शन थे, डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट, लेक्चरल डिस्कोर्सेज ऑन वैल्यूज, सेमिनार सिंपोजिया ऑन वैल्यूज, मेंटरिंग रिफ्लेक्टिव सेशंस ऑन वैल्यूज। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिसका भी ये गलत है एक बार देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, लेक्चर ऑब्लिक डिस्कोर्स ऑन वैल्यूज इज द करेक्ट आंसर। काफी लोग जुड़ चुके हैं, सुमित्रा गुड मॉर्निंग, प्रतिष्का खान, यूनिस, आदित्य, रवि, अनिता, इंद्रजीत, ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं जीआरएफ रणनीति की। तो गाइस हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीआरएफ रणनीति 2020, ये 8 जून से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें हम आपको एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी देंगे कि आपको कैसे 2 से 3 महीने में पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए। हम जीरो से लेके आपको टॉप तक लेके जाएंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके साथ रहेंगे। तो इस रणनीति के को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस रणनीति से। नाउ बात कर लेते हैं थोड़ी सी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान की। तो दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करने हैं। गोल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपके गोल में आपको सेलेक्ट करना है यूजीसी नेट, यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपके प्लान चूज करने हैं, आपको 12 मंथ वाला प्लान चाहिए या 24 मंथ वाला प्लान चाहिए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा या तो 12 मंथ वाला जी लीजिए या 24 मंथ वाला लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं वो हो जाएगी, एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा आपके पास। अगर आपका नेट होता है, जीआरएफ नहीं होता, नेट हो जाता है जीआरएफ नहीं होता, तो आपके लिए एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास रहता है और आप एक सेफ जोन में होते हो अगर आप 12 मंथ वाला या 24 मंथ वाला प्लान लेते हो। फीस दो तो वो फीस की बात करें तो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल फीस है, 10,500 फीस है 12 महीने की और 12,600 फीस है 2 साल की, 2 साल की फीस सिर्फ 12,600। अगर इसमें भी दोस्तों आप अगर मेरा ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे शिव10, तो आपको 10% डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा, ओके 10% डिस्काउंट आपको यहां से मिल जाएगा।
तो गाइस इसके बहुत सारे फायदे हैं आपको अगर मेरा प्लस का कोर्स ज्वाइन करते हो। हिस्ट्री का मेरा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, हिस्ट्री का ज्वाइन कर सकते हो। एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस 9th यूनिट की बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप जितना जल्दी एनरोलमेंट करोगे आपकी सीट को सुरक्षित कर लीजिए, वरना सीट पहले ही बुक हो जाएंगी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए। तो इसके लिए भी आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। करना क्यों है, क्योंकि यहाँ टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन आपके रेगुलर होते हैं, रिवीजन कैप्सूल हैं, मोर पर्सनल इंटरेक्शन आपका यहाँ होएगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइज नेट GRF विद शिव करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ जाइए, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। सो गाइज शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। प्लीज वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर हमारा सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनेस्को। सो गाइज यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। हम यूनेस्को की हेरिटेज साइट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम है कि यूनेस्को के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों, इसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में इसका फाउंडेशन हुआ था। क्यों हुआ था, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल मोरल सोलिडरिटी ऑफ मैनकाइंड, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडरिटी ऑफ अ मैनकाइंड एज अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग लास्टिंग पीस, ठीक है। ये इसका मोटिव था, क्या मोटिव था, अगर आपसे एक स्टेटमेंट के तौर पे ये पूछ ले, इसका मोटिव था टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडरिटी ऑफ मैनकाइंड एज अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग लास्टिंग पीस। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना आपको कहाँ पे है, पेरिस यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है ये कहानी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की ये कहाँ से आता है। तो दोस्तों एक कन्वेंशन होती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होती है, कब होती है, 1972 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होती है। और यहाँ से दोस्तों ये जो वेरियस जो कल्चरल साइट्स हैं, ठीक है, कौन सी कल्चरल साइट्स हैं जो कल्चरली और नेचुरली हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो गाइज हम बात करें इंडिया की, तो भारत में 38 यानी 38 विश्व धरोहर है यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और इसमें बात करें तो दोस्तों भारत छठे नंबर पर आता है, ठीक है, भारत छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा भारत में साइट हैं, ठीक है। और टोटल साइट की बात करें तो 30 हमारी हैं कल्चरल साइट यानी सांस्कृतिक महत्व वाली साइट हैं, और 7 ऐसी साइट यानी 7 ऐसी साइट्स हैं जो नेचुरल साइट्स हैं, जो यानी प्राकृतिक साइट्स हैं, और एक है दोस्तों मिक्स साइट। तो टोटल बात करें तो टोटल हो गए 38 साइट हैं भारत में, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो वर्ल्ड में टोटल साइट्स कितनी है, 1121। अगर इस मंथ के जून के एट प्रेजेंट, आज अपन 6 जून है, 6 जून की मैं बात करूं तो आज कितनी साइट है यहाँ पे, 1121 साइट हैं पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में। और इसमें से 869 यानी 869 है कल्चरल जो सांस्कृतिक महत्व वाली साइट हैं, 213 साइट हैं दोस्तों प्राकृतिक साइट, ठीक है, 213 प्राकृतिक साइट हैं, और 39 मिक्स साइट हैं यानी मिक्स हेरिटेज है। अपने यहाँ पे मिक्स कितना था, एक, ठीक है। कल्चरल कितनी है दोस्तों, 30 साइट, और नेचुरल कितनी है, 7, यानी कितना हो गया, 38। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है, अक्सर छोटे एग्जाम्स में या आपको MCQ में ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देगा कि भारत में टोटल विश्व धरोहर की कितने स्थल हैं, तो हमको याद रखना है 38 यहाँ पे स्थल हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, IAS UPSC तक के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पे हैं, चाइना और इटली, दोनों में 55 साइट हैं, याद रखिएगा, चाइना और इटली में दोनों में 55 साइट हैं। और स्पेन की बात करें तो दोस्तों 48 साइट्स हैं, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, चाइना और इटली, ठीक है, इटली में सबसे ज़्यादा हैं और स्पेन में 48 साइट्स हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा चाइना, इटली एंड स्पेन। और भारत की हमने बात की थी तो भारत कौन से नंबर पे आएगा दोस्तों, छठे नंबर पे, सिक्स रैंक है भारत में, सिक्स रैंक इन इंडिया।
ओके, तो इस चीज इस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखिएगा। प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो गाइस ये है हमारी 30 कौन सी साइट्स हैं, ये है जो कल्चरल साइट है, यानी जो सांस्कृतिक महत्व की साइट है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो है ये 30। और ये जो है दोस्तों नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ये है हमारी कितनी है, 7 तो ये होगी, ठीक है। 7 कौन कौन सी है दोस्तों, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केवला देव नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, वेस्टर्न घाट है, कंचनजंगा है, 7 ये होगा। इनको एक एक करके डिटेल में अभी आप पढ़ेंगे, सारों को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मिक्स साइट है दोस्तों ये हो गया 1, यानी टोटल कितने हो गए, 38, नंबर याद रखिएगा। तो कल्चरल एंड नेचुरल मिक्स हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कौन सी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नाउ अब दोस्तों एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। आपसे मैं एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में कि जो भी आपकी स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उसकी जितनी भी नेचुरल और जो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको आप कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। सभी आप बताइए कि आपके स्टेट में कितनी कल्चरल या जो कितनी धरोहर है, ठीक है, स्टेट की धरोहर के बारे में आप बताते जाइए सभी से। जितने भी लोग अभी लाइव चैट पे हैं या और आएंगे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि जितने भी आपकी स्टेट में जितनी भी धरोहर साइट है उनका नंबर आप कमेंट करके मेरे को बताते जाइए, जिससे आपका एक इंटरेक्टिव सेशन हमारा हो जाएगा और आपका एंगेजमेंट लगातार बना रहेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्लीज़ सभी कमेंट करके बताइए कि आपके स्टेट में कितनी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो सबसे पहले बात करें तो दोस्तों ताजमहल, ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में, ठीक है। ये दोस्तों किसने बनाया था, ये बनाया था किसने, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने क्यों बनाया था, उसकी एक वाइफ की याद में, ठीक है, उनकी एक बिलव वाइफ थी, उसकी याद में, मुमताज महल की याद में उन्होंने बनाया था। और दोस्तों ये यमुना रिवर के किनारे पे अवस्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों 1653 ईस्वी में ये इसका निर्माण हो गया था, ठीक है, 1653 में। और इसको हम बोलते हैं ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट ऑफ आर्ट इन इंडिया, ठीक है। ये पूरे विश्व में दोस्तों अपनी खूबसूरती के लिए ये पहचाना जाता है, ठीक है। तो दिस इज प्रोबली द मोन्यूमेंट डेट इज मोस्ट रिकॉग्नाइज अवर फॉर इट्स एसोसिएशन विद द इंडियन हेरिटेज साइट। दोस्तों अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी इस मोन्यूमेंट की विजिट की थी। तो आप इसकी महत्वता को समझ सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और ये हमारे जो 7 वंडर्स हैं उनमें एक में आता है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो मुगल वास्तुकला थी उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सो गाइस जिस जिस के स्टेट में जो भी धरोहर है प्लीज एक बार कमेंट करके बताते जाइए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खजुराहो की। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है, खजुराहो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टाइल है अपनी, एक हो नगरा, एक है नगर स्टाइल, एक है द्रविडियन द्रविडी स्टाइल और एक है बेसरा स्टाइल। तो ये जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं दोस्तों ये कौन से हैं, नागर स्टाइल के हैं ये, ठीक है। और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स ने। कब बनाया था, 1950 से 10050 ईस्वी के बीच में इनको बनाया था। तो प्लीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे जो सबसे फेमस टेम्पल कौन से हैं दोस्तों, एक तो है कांदरिया महादेव का टेम्पल, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल दिस टेम्पल इन द खजुराहो टेम्पल। तो आपको याद रखिएगा कांदरिया जो महादेव का जो टेम्पल है ये सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और गाइस एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है, जो भी एमपी से है वो प्लीज़ बताइए, जैसे जैसे हम स्टेट पे आते जाएंगे प्लीज़ अपने अपने स्टेट के आप बताते जाइए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एमपी से है तो बताइएगा कि एमपी में कौन कौन सी विश्व धरोहर है, ठीक है। तो प्लीज़ एक इंटरेक्टिव सेशन को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ तो इसमें हम देखें तो हिंदू और जैन दोनों धर्मों के यहाँ पे आपको टेम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर अक्सर फंसा देगा कि यार ये तो खजुराहो टेम्पल है तो हिंदू का होना चाहिए, पर याद रखिएगा दोस्तों
ये हिंदू और जैन दोनों का है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट था दोस्तों, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दोस्तों। कहाँ पे है ये? कर्नाटक जो स्टेट है हमारा, नॉर्थ जो कर्नाटक है वहां पे ये अवस्थित है। और दोस्तों ये है कहाँ पे? पहले एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था दोस्तों, 13th to 14th century में एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, वहां पे ये है। और इसकी अपन स्थापत्य कला की बात करें तो दोस्तों ये द्रविड स्टाइल का, द्रविडियन जो स्थापत्य कला है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों ये, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेम्पल है। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे इनको बोलते हैं क्या, सभी को मिला के बोलते हैं ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी, जैसे कृष्णा टेम्पल हो गया, गणेशा हो गया, हेमकुंडा ग्रुप हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विरूपाक्ष टेम्पल। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में, इसको याद रखेगा। और ये जहां पे विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था वहां पे ये अवस्थित है, ठीक है। नाउ उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अजंता केव की, ठीक है। अजंता केव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अजंता केव किसके लिए फेमस है, ठीक है, किसके लिए फेमस है दोस्तों? अजंता केव है बुद्धिस्ट रॉक कट फेम, मतलब रॉक कट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये चट्टानों को काट के ये बनाया हुआ, देखिए बुद्धिस्ट, ये है अजंता केव्स। और यहाँ पे मेनली आपको कौन से धर्म की मूर्तियां मिलेंगी? आपको मिलेंगी बुद्धिस्ट आठ आंखों को मिलेगी, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने पेट्रोनिज कब मिला था इनको, यहाँ पे देखो तो 31 यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है क्या है, गुफाएं हैं, तो आपसे नंबर पूछ सकता है, तो कितनी है? 31 केव्स, ठीक है, 31 केव है कहाँ पे? अजंता में। धर्म कौन सा है? बुद्धिस्ट, ये आपको याद रखना है सभी को। उसके बाद बात करें तो दोस्तों ये जो है सातवाहन, जो सातवाहन अपने जो शासक हुए हैं उनके टाइम पे ये अच्छा खासा इसका डेवलपमेंट हुआ है। और उसके बाद में जो वाकाटाका दो डायनेस्टी आती है, ठीक है, एम्परर हरिसेना होते हैं वाकाटाका डायनेस्टी के, ये इनको काफी अच्छा इसमें डेवलपमेंट करवाते हैं, ओके। तो आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्लीज, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 31 यहाँ पे केव है। और यहाँ पे किसने इसको पेट्रोनाइज दिया? जो सातवाहन जो शासक होते हैं, सातवाहन शासक में, ठीक है, और उसके बाद में जो वाकाटाका डायनेस्टी के हरिसेन आते हैं, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा डेवलप किया। उसके बाद में दोस्तों एलोरा की केव, आप कभी बॉम्बे जाते होंगे तब देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र से लोग हैं वो अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर भी पा रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों ये, ठीक है। ये दोस्तों किसके किसके लिए है? ये बुद्धिस्ट के लिए भी है, जैन के लिए भी है, हिंदू के लिए, तो तीनों धर्मों के लिए है। किस किस के लिए? हिंदू, जैन और बौद्ध, तीनों धर्मों के यहाँ पे आपको जो आर्किटेक्चर है वो मिलेंगे। और दोस्तों ये क्या है? रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर का मैंने बताया, ये रॉक को काट के बनाया हुआ है, ठीक है, एक रॉक को काट काट के ये बनाया हुआ है। वेरी गुड गाइस, अपने जितने भी स्टेट के आपके जो धरोहर हैं उनको आप कमेंट करके बताते जाइए, राजस्थान से जो है वो राजस्थान के बता दीजिए, महाराष्ट्र का एग्जांपल ले रहे हैं महाराष्ट्र से बता दीजिए, सभी अपना अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दीजिए जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एलोरा केव, ठीक है, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये महाराष्ट्र में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 34 रॉक कट टेम्पल है, याद रखिएगा कितने हैं? 34, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको मठ मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे विहाराज मिलेंगे 5वीं शताब्दी के और 10वीं शताब्दी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेजेंस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेम्पल एंड स्कल्पचर पोर्ट्रे ऑफ टॉलरेंस विच वॉज एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द डिफरेंट फेथ एंड बिलीफ इन एंशियंट हिस्ट्री। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, उड़ीसा की हम अभी बिल्कुल डिक्लेयर आप सबके साथ डिस्कस करेंगे, उड़ीसा को हम कभी भी अंडररेटेड नहीं करेंगे दोस्तों, उड़ीसा के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, सभी स्टेट का हम एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों का संगम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बोध गया,
दोस्तों बोध गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोध गया जो है ये कहाँ पे है, ये है बिहार में। और बिहार में कौन से कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, जहाँ पे बुद्ध ने, बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था, जब उसको सिद्धि प्राप्त हुई थी, जब वो 49 डेज तक बैठ के और यहाँ पे बोधि ट्री के नीचे जब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, जब वो सिद्धार्थ बनते हैं, यहाँ जब वो सिद्धार्थ से और बुद्धा यहाँ पे बनते हैं, वो ये ट्री है जहाँ उस साइट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोध गया, यानी बोधि वृक्ष जहाँ पे है उसको बोलते हैं बोध गया। दोस्तों जब फेमस महाबोधि टेम्पल वॉज इस्टेब्लिश इन द रीन ऑफ किसके, अशोका के टाइम पे ये बना था 250 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ओइंग टू ऑल दिस फैक्टर बोध गया इज कंसीडर्ड टू बी द होलीएस्ट पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, क्या, बोध गया। तो याद क्या क्या रखना है, कहाँ पे है, बिहार में है, किसने डेवलप किया, अशोक ने डेवलप किया, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ एनलाइटमेंट हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब वो 49 डेज तक कंटिन्यूअसली यहाँ पे तप करते हैं, जो जप करते हैं, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे होती है। उसके बाद में दोस्तों काफी लोगों की शिकायत थी कि उड़ीसा को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो दोस्तों लीजिए उड़ीसा, उड़ीसा का सबसे फेमस टेम्पल है दोस्तों सन टेम्पल, कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये है उड़ीसा में, इसको हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ब्लैक पैगोडा इसको बोलते हैं। और ये कलिंग जो आर्किटेक्चर था उस पर ये बना हुआ है, और हमारे जो सात अजूबे हैं उनमें भी ये सम्मिलित है, जो हमारे सात अजूबे हैं उनमें भी ये सम्मिलित है, नॉट वेरी फेमस, ठीक है, आप याद रखिएगा। जो पुरी का जो हमारा ये, जैसे उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों हमारा जो ये बीच है, पुरी का जो बीच है उसके बिल्कुल ये पास में है, तो एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इसको मानते हैं हम। और ये बनाया किसने था दोस्तों, ये बनाया था नरसिम्हा देव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये गंगेश डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, ठीक है, और 1250 ईस्वी में इसको ये बनाते हैं, किसने बनाया था, नरसिम्हा देव प्रथम होते हैं, गंगेश डायनेस्टी के होते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी काफी खासियत है, ये देखिए आप ऐसे करके यहाँ पे 6 व्हील बने हुए हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बहुत इसके लिए, इसकी जो आर्किटेक्चर है उसके लिए बहुत फेमस है, तो ये आप याद रखिएगा। द सन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ गिगेंटिक चैरियट, ये देखिए रथ के टाइम शेप में है ये, ठीक है। कार ऑन स्टोन व्हील्स, देखिए ये व्हील बने हुए हैं, तो आपको स्टेटमेंट देखिए कभी भी एग्जाम्स में पूछता है, पिलर्स एंड वॉल्स एंड इट लेड बाय अ 6 एनॉर्मसली कार हॉर्सेस, और जो इसको चलाने वाले हैं दोस्तों वो 6, अभी इसमें दिख नहीं रहे लेकिन आपको 6 घोड़े दिखेंगे जो इस अर्थ को, जो ये रथ है इसको खींच रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, और नरसिम्हा देव जो फर्स्ट था उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ रेड फोर्ट दोस्तों सभी ने आपने देखा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक बिल्डिंग है, जो किसने बनाई थी दोस्तों, ये मुगल जो आर्किटेक्चर है, मुगल स्थापत्य कला का इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई आपको मिल नहीं सकता दोस्तों। तो ये किसने बनाया था, पहले ये शाहजहांबाद के रूप में ये प्रसिद्ध था, क्योंकि इसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के टाइम पे दोस्तों बात करें तो जो मुगल आर्किटेक्चर है वो एक क्लाइमैक्स पे था, एक पीक पे होता है, उसके टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अभी हमने बात की थी कौन से, आगरा के ताजमहल की, और जस्ट आपके सामने है रेड फोर्ट यानी दिल्ली का लाल किला। दोस्तों ये बहुत सारी आर्किटेक्चर स्टाइल से उनसे मिलके बना है, जैसे बात करते हैं पर्सियन, तिमूरियन, इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है, यहाँ पे दोस्तों रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोटी मस्जिद है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। बनाया किसने था, शाहजहां ने बनाया था, कहाँ पे है ये, दिल्ली। और कब बनाया था दोस्तों, जब शाहजहां होता है उससे पहले जो मुगलों की जो राजधानी होती है वो क्या होती है, आगरा, ठीक है, अकबर के टाइम पे आगरा ही सेंटर होता है, जब शाहजहां आते हैं तो इसको शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली, दिल्ली इसकी राजधानी बनाते हैं, और तभी ये लाल किला वो बनाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का, मुगल स्थापत्य कला का। तो यहाँ पे आप स्टाइल देखो तो दोस्तों इंडो इस्लामिक, तिमुरिड मैंने बताया, हिंदू एंड पर्सियन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इन सेवरल फेसेट ऑफ रेड फोर्ट, यानी यहाँ पे सारी स्टाइल का मिक्सअप है ये, इसीलिए इतनी सुंदर कलाकृति आपने सामने आई है। यहाँ पे मेन बिल्डिंग कौन कौन सी है,
क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दोस्तों रेड फोर्ट में क्या क्या है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बिल्डिंग्स है दीवाने आम और दीवाने खास। नाउ उसके बाद बात करें दोस्तों सांची, सांची का स्तूप ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है एमपी में, एमपी में है सांची का स्तूप। और ये किसने बनाया था, ये अशोक ने बनाया था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये अशोक ने बनाया था। और अशोक ने सबसे ज़्यादा दोस्तों स्तूप बनाए हैं, कितने बनाए हैं, 84,000 स्तूप बनाए हैं अशोक ने। और सबसे पुराने स्तूप की बात करें तो दोस्तों सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, पीपरवा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों एमपी में है। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली स्तूप क्या होता है, जो बुद्ध के रेलिक्स होते हैं, जो बुद्ध के एसेस होते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद भी बात करते हैं दोस्तों, चोला टेम्पल तमिलनाडु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो चोला है, जो चोल वंश के जो राजा होते हैं, जो चोल वंश के जो राजा होते हैं वो इसको बनाते हैं, ठीक है। चोल वंश के राजा कौन कौन से होते हैं, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र सेकंड, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, किसमें, आर्क एंड आर्किटेक्चर में। नाउ यहां पे मेन मेल बिल्डिंग की बात करें तो दोस्तों यहां पे है भृदेश्वर टेम्पल थंजावुर, ठीक है, भृदेश्वर टेम्पल गंगई कोंडा चोलापुरम, अरहिदेश्वर अरहत देश्वरा टेम्पल, ठीक है। तो ये बिल्डिंग यहाँ पे मेन मेन है, इनको आप याद रखिएगा। कौन कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों भृदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और बनाया किसने था, ये राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र सेकंड के टाइम पे ये आर्ट इनकी डेवलप होती है। वीडियो को प्लीज एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दो दोस्तों, ठीक है, और लोग हमसे जुड़ सके। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है सबसे पहले तो पता होना चाहिए, आसाम में है, ठीक है, ये आसाम में है। और दोस्तों ये प्राकृतिक साइट है, नेचुरल साइट है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक हमने कल्चरल साइट की बात की है, ये है नेचुरल साइट यानी प्राकृतिक साइट है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ सबसे क्या चीज़ मिलती है, सभी एक बार कमेंट करके मेरे को बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या मिलता है, आपके सामने दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए। इसको बोलते हैं ग्रेट वन होर्न राइनो, इसके लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर की डेंसिटी मिल जाती है, मिलती है, यानी घनत्व के रूप में देखें तो टाइगर सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे आपको हाथी भी मिलते हैं दोस्तों, वाइल्ड बफेलो मिलते हैं, स्वैम्प डियर मिलता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। और दोस्तों ये किसने बनाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोजेक्ट अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। राइनो यहाँ पे मिलता है, वन होर्न राइनो यहाँ पे मिलता है। और ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे बना था, लॉर्ड जो कर्जन होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, और ये इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था। उनकी एक वाइफ होती है, ठीक है, ठीक है, वो एक कहानी है दोस्तों इसके रूप में, उनकी वाइफ होती है, करजन की वाइफ, वो उनको बोलती है कि उनको उस पार्क में विजिट करना है, ठीक है, उनको वन होर्न राइनो देखना होता है, तो करजन है ये प्रोजेक्ट लाते हैं और इसको बनाते हैं, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट है ये। उसके बाद में है दोस्तों महाबलीपुरम के जो मोन्यूमेंट्स है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ठीक है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इसको ये है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पंचरथा टेम्पल है, गणेश रथा है, ठीक है, केव टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम है, ठीक है, और क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टेम्पल हैं वो ग्रुप ऑफ टेम्पल यहाँ पे मिलेंगे आपको। और ये बनाया किसने था दोस्तों, जो पल्लव डायनेस्टी होती है वहाँ पे इसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये है तमिलनाडु में, ठीक है, जो कोरोमंडल कोस्ट है अपनी, ठीक है, वहाँ पे ये पड़ता है, जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो बे ऑफ बंगाल वाली कोस्ट पड़ती है वहाँ पे ये अवस्थित है। इसके पंचरथा की बात करें तो दोस्तों कौन कौन से है पंचरथा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे मेन मेन चीज़ कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो है गंगा डिसेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा जाएगा कि गंगा डिसेंट कहाँ से है। उसके बाद में एक पंचरथ है, जैसे धर्मराज रथ, ठीक है, धर्मराज रथ है, एक अर्जुन का रथ है, अर्जुना रथ है, एक द्रौपदी का रथ है, ऐसे करके पांच रथ हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद बात करें दोस्तों सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में,
ठीक है, वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। ये बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलते हैं, साल्ट क्रोकोडाइल मिलता है, और दोस्तों यहाँ पे सबसे जो फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बे ऑफ बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे ये अवस्थित है। और यहाँ पे देखिए ये मैनग्रोव मिलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, मैनग्रोव, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है अभी थोड़े दिन में, हुमायूं टोम्ब यानी हुमायूं का मकबरा। ये किसने बनाया था दोस्तों, उनकी जो पहली वाइफ थी, क्या नाम था उसका, पहली वाइफ का एक बार कमेंट करके बता दीजिए, हुमायूं की पहली वाइफ का क्या नाम था, उनकी पहली पत्नी का उन्होंने ही ये बनाया था। तो गाइज उनकी पहली पत्नी का नाम था बेगा, ठीक है, इन्होंने ये बनाया था। कब बनाया था, 1565 से 1572 ईस्वी के बीच में इसको बनाया था। ये मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, एक टोम है, एक वाटर, बहुत सारे वाटर चैनल है ये आपको दिख रहे हैं, अब पवेलियन है, एंड अ बाथ। ये यहाँ पे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हुमायूं टोम में यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ओके नाउ उसके बाद में है दोस्तों जंतर मंतर, बहुत ही फेमस है दोस्तों, जयपुर में अवस्थित है जंतर मंतर, ठीक है। ये हमारा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, हमारा जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है उसको ये दर्शाता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट को, कि हमारे जो यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट कितना हुआ था। तो गाइस जो जयपुर से है या नहीं है उनको एक बार जाके देखना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है। किसने बनाया था, ये सवाई जयसिंह राजा होते हैं, कहाँ के होते हैं, ये राजस्थान के राजा होते हैं, काछवा शासक होते हैं, आमेर के ये शासक होते हैं, उन्होंने ये बनाया था। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है ये, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। किसने बनाया था, सवाई जयसिंह ने बनाया था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 1738 ईस्वी में इसको बनाया था। उसके बाद दोस्तों आगरा का फोर्ट, ये कहाँ पे है, यूपी में है आगरा का फोर्ट, ठीक है, और ये किसके टाइम पे बना था दोस्तों, ये अकबर के टाइम पे बना था, ठीक है, और ये दोस्तों इसको हम बादलगढ़ भी बोलते हैं। बादलगढ़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले यहाँ का जो एरिया था वो बादल सिंह एक राजा हुआ करते थे हिंदू, उनके द्वारा ये लिया गया, उनके द्वारा ये शासित किया जाता था, ठीक है। और आगरा फोर्ट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है खास महल है, शीश महल है, मोहम्मद बुरे हैं, ठीक है, और दीवाने आम है, मोटी मस्जिद है, नरसिंगा मस्जिद है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों फतेहपुर सिकरी है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप बताइए फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसका नाम ही जैसे है फतेह, तो ये क्यों बनाया था, ये दोस्तों जब वो मुगल होते हैं, यानी मुगल में कौन सा, अकबर जो होते हैं, उन्होंने जब चित्तौड़ की, रणथंभौर की और विजय की थी, चित्तौड़ एंड रणथंभौर की जब विजय की थी, ठीक है, रणथंभौर की जब वो विजय करते हैं तब ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम ही क्या है, फतेह, यानी फतेह करके आए थे वो, किसके, चित्तौड़ की और रणथंभौर की, तब ये बनाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या क्या फेमस है, यहाँ पे है जामा मस्जिद है, एक बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे एक पंचमहल है दोस्तों, ठीक है, तो ये जोधाबाई का एक महल है, ठीक है, ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है, तो ये आप याद रखिएगा। और जैसे हम अकबर के नौ रत्नों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे उनका भी डेवलपमेंट, उनका भी ओरिजिन यहीं से हुआ है, कहाँ से, फतेहपुर सिकरी से, तो इसका याद रखिएगा। किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, कहाँ पे है, यूपी में है ये फतेहपुर सिकरी। उसके बाद दोस्तों रानी की बाव, ये पटन डिस्ट्रिक्ट यानी गुजरात में है रानी की बाव, जो गुजरात से है वो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इसके लिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपना वाटर कंजर्वेशन का, यानी स्टेप वेल है दोस्तों ये, आप देखें यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं देखो, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है स्टेप वेल का, ठीक है, स्टेप वेल का ये एग्जाम्पल है। और दोस्तों ये बहुत ही रिसेंटली जो इंक्लूडेड है, यानी 2014 में इसको इंक्लूड किया गया है, और किसने बनाया था, ये सोलंकी डायनेस्टी के राजा होते हैं दोस्तों, सोलंकी डायनेस्टी के राजा होते हैं भीमदेव प्रथम, इन्होंने इसको बनाया था, तो ये आप याद रखेगा। और दोस्तों इसका सिर्फ
आर्कियोलॉजिकल ही महत्व नहीं है, इसका रिलीजियस और माइथोलॉजिकल महत्व भी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे जो लिटरेचर हैं, जो कैनोनिकल जो लिटरेचर हैं, तो हमारे वेद पुराण हैं उनमें, इन वेद पुराण में नहीं है, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें इसका उल्लेख अक्सर हमें मिलता है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम, ग्रुप ऑफ टेम्पल पट्टाडिकल, ये है कर्नाटका में, इसको आप याद रखिएगा, पट्टाडिकल टेम्पल कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में, और जो चालुक्य स्टाइल में ये बना हुआ है, किसमें बना हुआ है, चालुक्य स्टाइल। चालुक्य स्टाइल कौन सी होती है दोस्तों, जो नगर और द्रविड स्टाइल की जो बनी होती है उसको बोलते हैं हाँ चालुक्य स्टाइल, ठीक है। तो ये चालुक्य जो किंग थे उन्होंने इसको बनाया था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलिफेंटा केव, ये है महाराष्ट्र में, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों को वीडियो को, ठीक है। ये है एलिफेंटा केव, ये कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों केव आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और केव्स कहाँ पे हैं, केव ऑन द आइलैंड इन द अरेबियन सी में, जो एक आइलैंड है एलिफेंटा, वहाँ पे ये अवस्थित है, यानी बेसल रॉक्स केव है, और शिवा टेम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो शिवा है, ठीक है, उनके तीन फेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तीन फेस कौन कौन से मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक मिलेगा क्रिएटर, ठीक है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। यहाँ पे शिवा की आपको तीन साइड मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, देखिए थ्री साइड्स ऑफ शिवा मिलेगी, एक क्रिएटर मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा प्रिजर्वर, और एक मिलेगा डिस्ट्रॉयर। तो इसके लिए बहुत फेमस है, शिवा की एक मूर्ति है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गाइज ये याद रखिएगा, और वो केव कौन सी है, वन, जो केव प्रथम है उसमें ये मिलेगा, केव वन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से अक्सर ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी केव यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो केव वन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज प्लीज एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय, और आपको एज अ इंडियन भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नालंदा महावीरा कहाँ पे है, ये बिहार में है दोस्तों, और ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती है, और यहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि दोस्तों यहाँ पे करीबन 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे, और पूरे विश्व से यहाँ पे स्टूडेंट आते थे। कहाँ कहाँ से आते थे, तिब्बत, चाइना, कोरिया, सेंट्रल एशिया से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये बिहार में है दोस्तों, और बात करें तो ये कब से कब तक रहती है, ये रहती है 3rd century BCE से 13वीं शताब्दी तक रहती है। और बात करें तो 1296 में एक आते हैं बख्तियार खिलजी, वो इसको ढा देते हैं, आक्रमण होता है, जब तुर्कों का अरबों का आक्रमण होता है, तो 1296 में एक जेंटलमैन आते हैं, कौन आते हैं, बख्तियार खिलजी आते हैं, खिलजी, वो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, इस महावीरा को, यो नालंद। गवर्नमेंट इसको दोबारा से रिवाइव करने की प्लानिंग कर रही है दोस्तों, इसको दोबारा से रिवाइव किया गया है, जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं सब ने मिलकर इसको रिवाइव किया है। तो प्लीज एक बार इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइट है नालंदा महावीरा। उसके बाद में दोस्तों कभी आप बॉम्बे गए होंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आपने देखा होगा, ठीक है, ये गोथिक स्टाइल में बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोथिक स्टाइल में ये बना हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, बेसिकली ये है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, गाइज याद रखिएगा, ये सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, इसको क्या बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। यहाँ पे दोस्तों मुंबई में अटैक भी हुआ था, यहाँ पे आप याद रखिएगा 2008 में जब टेरर अटैक होता है तो यहीं पे होता है, याद रखिएगा। ये है बॉम्बे में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसकी स्टाइल कौन सी है, गोथिक स्टाइल है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप गोथिक भी देखोगे, यहाँ मुगल ट्रेडिशन भी देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप इटालियन ट्रेडिशन भी देखोगे, तो बहुत सारे जो ट्रेडिशन है आर्ट का ये मिक्सर का ये एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मोन्यूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया, कभी आप गए होंगे शिमला घूमने के लिए तो आप इसमें बैठे जरूर होंगे, तो दोस्तों ये भी हमारी एक विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। क्या है, जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये कंप्राइज ऑफ तीन है दोस्तों, दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, और एक है कालका सिमरा रेलवेज, ये तीनों के तीनों किसमें शामिल है, हमारी विश्व धरोहर की सूची में ये शामिल है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है,
और यहाँ पे आप रोमांटिक और फन राइड के लिए बहुत फेमस है दोस्तों ये, तो आप जरूर जाइएगा कभी देखने के लिए इसको। नाउ दोस्तों गोथिक स्टाइल क्या होती है? गोथिक स्टाइल जो यूरोपियन जो स्टाइल होती है, जो यूरोपियन यहाँ लेके आए थे, जिस जो आर्किटेक्चर जो फॉर्म लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम गोथिक स्टाइल, ठीक है। जो पुर्तगीज लेके आए थे यहाँ पे, जो पुर्तगीज जो चर्चेज देखते हो आप, गोवा जाओगे या बॉम्बे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप चर्चेज देखोगे तो वो सब गोथिक स्टाइल के बने हुए हैं। जो यूरोपियन जो स्टाइल है, ठीक है, उसका जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं हम गोथिक स्टाइल। क्लियर? नाउ उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुतुब मीनार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी ने देखी है कुतुब मीनार। ये दोस्तों किसने बनाई थी ये कुतुब मीनार? ये दोस्तों 1193 ईस्वी में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो यहाँ पे वहाँ पे एक शासक होते हैं, ये मोहम्मद गोरी के कमांडर होते हैं। कौन होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये मामलुक डायनेस्टी के होते हैं, इसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, यानी गुलाम वंश भी इसको बोला करते हैं दोस्तों। तो इसको गुलाम वंश के एक, ये सबसे पहले जो हुए हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए हैं, इन्होंने इसको बनाया था। और इसको बनाने में दोस्तों बहुत सारे शासकों का हाथ है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और तुगलक डायनेस्टी के भी जो शासक होते हैं उसका भी इनको बनाने में हाथ होता है। तो कभी क्वेश्चन आए तो इसको किसने बनाया था दोस्तों, स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीशन जो करवाते हैं वो इल्तुतमिस करवाते हैं, और कालांतर में बहुत सारे जो शासक होते हैं वो इसके निर्माण में उनका योगदान होता है। और बनाया क्यों था दोस्तों? जैसा कि इसका आपसे नाम से पता चला, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ये दोस्तों एक सूफी संत होते हैं, सूफी सेंट होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनके काफ़ी मान्यता है, मान्यता रखते थे, इनको काफ़ी पेट्रोनेस देते थे, उन्हीं की स्मरण में इनको इनका ये बनाया है ये कुतुब मीनार, ठीक है। उसको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, कभी आप यहाँ पे बिल्कुल दिल्ली में है दोस्तों, दिल्ली में है, ठीक है, ये यहाँ पे दिल्ली में है। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे अलाई दरवाज़ा मिलेगा आपको, कभी गए हो, अलाई मीनार भी है, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू भी है, यहाँ पे टोम ऑफ इल्तुतमिस है, एक ओरियन पिलर है, ओरियन पिलर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये ओरियन पिलर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेहरोली पिलर भी बोलते हैं इसको, मेहरोली पिलर भी बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इसके आज भी रस्टिंग नहीं हुई है इसको, ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नाउ आगे चलते हैं दोस्तों, चंपारण पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ये आप याद रखिएगा, ये गुजरात के ये लोकेटेड इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों इसको बनाया किसने था, ठीक है, इसको बनाया था मोहम्मद बेगारा, एक गुजरात के शासक होते हैं, उन्होंने इसको बनाया था, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आपको हेरिटेज मिलेंगे, यहाँ पे मॉस्क्यू भी मिलेंगे आपको, टेम्पल भी मिलेंगे आपको, टोम्स भी मिलेंगे, गेटवे, फोर्ट्रेस ऑफ एनवोल्स, प्लेसेस, पेवेलियन, हेलिकल वेल्स, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण आपको मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों स्थापत्य कलाओं का यहाँ पे आपको मिश्रण मिलता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कुतुब मीनार दिल्ली में है दोस्तों, कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में अवस्थित है कुतुब मीनार, प्लीज़ सॉरी स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, दिल्ली में है। नाउ उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट में भी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो गाइज जो हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, यहाँ पे जो कुल्लू वैली है, कुल्लू वैली है वहाँ पे ये अवस्थित है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर वाटर ग्लेशियर्स मिलेंगे आपको। और ये कहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत सारे आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोनीफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, स्नोई पीक्स मिलेंगे आपको, जानवर की बात करें तो ब्लू शीप मिलेगी, स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलता है, हिमालयन ब्राउन बियर मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग विजिट करते हैं, काफ़ी इंडिया को जनरेशन होता है यहाँ से।
उसके बाद भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान दोस्तों वीरों की भूमि हुई है, राजपूतों की भूमि हुई है। यहाँ पे आपको विशाल काय यहाँ का आपको क्या मिलेंगे, फोर्ट मिलेंगे। तो इसको भी यूनेस्को में अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है 2013 में, राइट। तो यहाँ पे जो राजपूत शासक हुए हैं दोस्तों, उन्होंने इनको क्या किया है, बनाए हैं। जैसे बात करें तो दोस्तों 6 यहाँ पे फोर्ट हैं, हिल फोर्ट, उनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में दर्ज किया है। कौन सा है, एक तो चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के बारे में दोस्तों अक्सर बोला जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़िया। तो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट देखोगे तो सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, काफी हाइट पे है, ठीक है। और बनास रिवर है उसके पास में ये अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1303 ईस्वी में जब आपने जो पद्मावत मूवी देखी है उसमें अलाउद्दीन खिलजी इसको अटैक कर लेते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, खिजराबाद, ठीक है। एक दूसरे फोर्ट की बात करें तो दोस्तों कुंबलगढ़ फोर्ट है, एक रणथंबोर का फोर्ट है दोस्तों, एक गागरेन का फोर्ट है और एक आमेर का फोर्ट है जो अब जयपुर में अवस्थित है, जो काछवा शासकों ने बनाया था। एक है जैसलमेर का फोर्ट जिसको बोलते हैं स्वर्णगिरी भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये सारे फोर्ट हैं, ये सारे के सारे जो अरावली रेंज है दोस्तों, अरावली रेंज जैसे हम बात करें तो इंडिया की, तो यहाँ से दोस्तों ये अरावली रेंज है, इस पे ये सारे के सारे फोर्ट अवस्थित हैं। नाउ उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चर्चेज एंड कोवेनेंट ऑफ गोवा, गोवा के चर्चेज हैं, ये भी बहुत फेमस है, ये भी यूनेस्को की जो धरोहर की सूची में है उसमें शामिल है, ठीक है। नाउ ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि ये भी गोवा के जितने भी ये चर्चेज हैं, ये भी इसके धरोहर के में शामिल हैं। उसके बाद में ये चर्चेज कब बनते हैं दोस्तों, चर्चेज बनते हैं जब पुर्तगीज भारत में आते हैं, जब ब्रिटिशर 1600 में भारत में आते हैं, ठीक है। उससे पहले 1498 में पुर्तगीज भारत आते हैं, जब ये पुर्तगीज भारत आते हैं तब ये उनका एक मकसद था कि क्रिश्चियन धर्म को यहाँ पे फैलाव करना था, उनको क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे फैलाव करना था, तो बहुत सारे चर्चेज ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका एमपी में अवस्थित है, प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये भी बहुत फेमस है, ये कहाँ पे है, एमपी में। इसमें आपको पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के आपको यहाँ पे पेंटिंग मिलेंगे, तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे है ये, लोकेटेड है विंध्यान जो माउंटेन रेंज है उसकी जो फुट हिल्स है वहां पे ये लोकेटेड है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मानस, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको बस सुनते जाओ, यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों असम में है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये मानस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मानस जो रिवर है, मानस जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर है, उसी के ऊपर है ये मानस लाइफ, ठीक है। मानस रिवर कहाँ पे है, असम में। तो दो तीन फैक्ट आपके हों। यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर भी रिजर्व भी है ये मानस, एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट के लिए भी काफी इंपोर्टेंस ये रखता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और द नेम ऑफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिवर मानस से मैंने बताया, और किससे ड्राइव होता है, गोड मनसा से, ये गोडेस एक मनसा देवी होती है उससे इसका नाम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं आपको, असम रूप टटेड मिलतेंगे, हिस्पर्ड हेयर मिलेंगे आपको, गोल्डन लंगूर यहाँ पे मिलते हैं, तो काफी वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये एक मैन मेड वेटलैंड बर्ड्स है, यहाँ पे साइबेरियन जो क्रेन्स आती हैं वो अक्सर यहाँ पे उनका बसेरा होता है, हॉट स्पॉट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भरतपुर जो ये है, देखिए साइबेरियन क्रेन जो दोस्तों ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये साइबेरिया से आती हैं, माइग्रेटरी जो बर्ड है ये साइबेरिया से आती हैं, उनका अक्सर ये घर हुआ करता है, जब आती हैं उनका ये रेस्टिंग पैलेस होता है। तो गाइज इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, भरतपुर में है और राजस्थान में है। यहाँ पे 366 यानी 366 टाइप्स ऑफ की यहाँ पे आपको बर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड मिलेंगे। और दोस्तों याद रखिए वेटलैंड भी है, ठीक है, वेटलैंड भी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंदा देवी वैली ऑफ फ्लोर्स नेशनल पार्क, दोस्तों 2018 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन था यूपीएससी में, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ लिया था कि नंदा देवी
जो वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड में, नेट में भी ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इसका याद रखेगा दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बियर मिलता है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे मिलता है, ब्राउन बियर मिलता है, और ठीक है, और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में भी ये इंक्लूड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज नोट करते जाइए इनको, ठीक है, ठीक है, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में भी ये इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ये आप याद रखेगा, ओके गाइस। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जब आप बात करो थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, नंदा देवी है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसकी, इंडिया की, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में यानी उत्तराखंड में ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, प्लीज, ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। और बिकॉज ऑफ कंचनजंगा इज नोन एज टू शेयर बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है, या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रखिएगा। और गाइज इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो वेद पुराण में भी आपको मिलेगी, वेद उपनिषद में भी इसकी इंपॉर्टेंस आपको मिलती है। उसके बाद में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये भी एक हॉट स्पॉट में आता है इंडिया के में, ठीक है, तो जो सह्याद्री जो माउंटेन है, ठीक है, ठीक है, तो उसको ये इंक्लूड करता है, ठीक है, सब क्लस्टर ऑफ कुदरमुख, ठीक है, ताल कावेरी, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई, पेरियार, ठीक है, एंड अगस्त्यमलाई, ये सारी की सारी जो पीक्स हैं ये कहाँ पे हैं, वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट दोस्तों ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये वाली जो जो है वो उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, राइट। तो ये दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी, जो बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब मिलेंगे, और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में इसका फैलाव हुआ हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसकी लेंथ की बात करें तो दोस्तों 1600 किलोमीटर की इसकी ये है यानी लंबाई है, ओके, तो आप याद रखिएगा। और ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट, ये वर्ल्ड का बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट भी है, ठीक है, जो विश्व के 8 हॉट स्पॉट आते हैं उसमें से गिना जाता है कौन, वेस्टर्न घाट। उसके बाद दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, सिक्किम में है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये 2016 में रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आप याद रखिएगा, सिक्किम में है। और यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि जो सेकेंड हाइएस्ट जो पीक है हमारी वो कौन सी है, कंचनजंगा ही है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। थर्ड हाईएस्ट पीक है थोड़ी सी, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक, ओके, इसको करेक्ट कर लीजिए, थर्ड हाईएस्ट पीक है आपकी ये कंचनजंगा। उसके बाद में दोस्तों कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, वेरी ब्यूटीफुली टाउन प्लानिंग के लिए जो चंडीगढ़ है वो अक्सर नाम सुर्खियों में आता है, ठीक है, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक है, तो ये किसका वर्क है दोस्तों, ली कॉर्बूसियर का, कॉर्बूसियर का ये वर्क है, और बहुत सारे देशों में इनका ये जो काम है, आर्किटेक्चर वर्क जो मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से दोस्तों ये सेक्रेटरीट है किसका है, ये हरियाणा और जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका हाईकोर्ट और सेक्रेटरीट यहीं है, यहीं है, और सेक्टर 1 में ये लोकेटेड है, सेक्टर 1 में चंडीगढ़ में ये लोकेट है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ भी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों विक्टोरियन एंड द आर्ट डेको एंसेम्बलम ऑफ मुंबई, ये 2018 में रिसेंटली इसको इंक्लूड किया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बलम ऑफ मुंबई इज अ कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग का एक कलेक्शन है, उसकी बहुत सांस्कृतिक महत्व है दोस्तों, और ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। और अ फेमस लैंडमार्क इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स इज राजाबाई क्लॉक टावर, इज द पार्ट ऑफ द विक्टोरियन साइट्स ऑफ एंसेम्बलम अलोंग विद द वॉटसन होटल, डेविड सेशन लाइब्रेरी एंड द एल्फिस्टोन कॉलेज, ठीक है, एल्फिस्टोन कॉलेज, तो ये सारी चीजें हैं, ये 90 ग्रुप ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारा अंतिम है दोस्तों वो है पिंक सिटी, पिंक सिटी जयपुर, ये रिसेंटली 2019 में इसको इंक्लूड किया गया था दोस्तों ऑन 6 जून, तो 38 साइट है दोस्तों, 38 जो साइट है वो है हमारी कौन सी है, द पिंक सिटी ऑफ जयपुर। तो गाइज जयपुर आओ तो कभी देखना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको जंतर मंतर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको आमेर फोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको जल महल मिलेगा, जो आपको फोटो दिख रही है दोस्तों ये क्या है, ये है जल महल, ठीक है, जल महल ये है, ठीक है, तो आप आइए
और इसको देखें। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम मिलेंगे आपको, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। यहाँ पे गोविंद देव जी का जो टेम्पल है बहुत फेमस टेम्पल है, तो कभी आओ तो जयपुर को जरूर देखिएगा। यहाँ का आप जो चार दीवारी जो एक परकोटा है उसमें देखो तो बहुत अच्छे मार्केट्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको बापू बाजार मिलेगा, यहाँ पे त्रिपोलिया बाजार है दोस्तों, यहाँ पे जौहरी बाजार है, इनके बाजार हैं। यहाँ की चौपड़ बहुत फेमस है दोस्तों, आप देखिए कभी आओ तो। जयपुर एक वन ऑफ द बेस्ट जो आप बोलते हो कि साइट है, जो वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया विच इज सराउंडेड बाय द वॉल्स एंड गेट डेकोरेटेड विद द ड्रॉइंग्स ऑन द डोर बैकस्टॉप ऑफ द ब्यूटीफुल पिंक। जितने भी यहाँ पे आप दीवार देखोगे उनको पिंक से रंगा हुआ है, ठीक है। जितने भी आप गेट देखोगे वो सब पिंक से रंगे हुए हैं, तो आप देखोगे इसीलिए इसका नाम है पिंक सिटी, ठीक है। तो राजस्थान का दोस्तों एक सिंबल ही है, ठीक है, हमारा एक टैग है कि जाने क्या दिख जाए, ठीक है, जाने क्या दिख जाए। तो प्लीज जब भी आओ तो देखिए, क्योंकि आपको पता नहीं क्या क्या दिखेंगे यहाँ पे, इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, यानी जाने क्या दिख जाए राजस्थान का एक टूरिज्म का एक मोटो है, ठीक है, जाने क्या दिख जाए। ओके, ठीक है, तो पधारो हमारे देश, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी कहावत है राजस्थान के लिए, ठीक है। तो आप आइए और देखिए इनको, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अपनी, ठीक है, इनको हमने एक एक करके इंक्लूड किया। आप दोबारा से इनको रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको गर्व होना चाहिए कि कितना सांस्कृतिक धरोहर हम समेटे हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो एक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना जब क्लास का सेशन एंड हो जाए दोस्तों। तो एक आता है हेरिटेज प्रिजर्वेशन, ये एक बंगाल रेगुलेशन आता है दोस्तों 1810 में, ठीक है, और 1817 में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मद्रास रेगुलेशन और बंगाल रेगुलेशन आते हैं 1810 में और 1817 में। उसके बाद दोस्तों इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट आता है 1868 में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एंशियंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आता है 1904 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आता है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये आता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एंटीक्विटीज एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट आता है, ये 1947 में आएगा, ठीक है। और फिर जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है तब दोस्तों एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट आता है, ये आता है 1991 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों 2010 में भी एक अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, इंसर्ट एड फ्यू प्रोविजन, क्या हुआ था इसमें, नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी बना दी गई थी, ठीक है, नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी यहाँ पे बना दी गई थी दोस्तों, इसका आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे तमिलनाडु एंशियंट मोन्यूमेंट एक्ट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट, ठीक है, ओडिशा मोन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, राजस्थान मोन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट एंड एंटीक्विटीज, तो ये सारे एक्ट्स हैं जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनेक्ट किए हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसा लगा है, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, प्लीज सभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने कमेंट दीजिए। और मैंने आपको साथ साथ में बताया था कि आपके स्टेट में कौन कौन से विश्व धरोहर हैं, तो प्लीज एक बार दोबारा से कमेंट करके सारे बताइए। अभी आपने सबने देख लिए 38 के 38 सबने देख लिए हैं, तो सभी कमेंट करके सभी अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके स्टेट में कितने हैं, ठीक है, ठीक है, आपके स्टेट में कितने हैं सभी कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइज अगर आप मेरा कोर्स प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, उसमें बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ाता हूँ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, अगर दोनों के आप मेरे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लस पे, और शिव10 मेरा रेफरल कोड है, शिव10 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज कीजिएगा और 10% आपको डिस्काउंट दोस्तों यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप शिव10 रेफरल कोड यूज कीजिए और इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों। इसका आपको कोई और जानकारी चाहिए किसी को भी, टेलीग्राम चैनल है नेट जेआरएफ विद शिव, यहाँ से आप जुड़ जाइए। आपको जो अभी जो मैंने पढ़ाया है उसका PDF मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, जो भी मैंने पढ़ाया है उसका PDF, अभी जो अपनी क्लासेस हो रही हैं उसका PDF मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। आपकी कोई क्वेरी हो
सब्सक्रिप्शन से लेके कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग द NTA UGC नेट आपको मैं दूंगा कि कैसे मैंने मेरा GRF क्लियर किया, और आप भी यहाँ पे GRF क्लियर कर सकते हो। तो गाइज वेरी गुड, काफ़ी लोग बता रहे हैं। खान सुमेरा बता रही है कि आमेर पैलेस, मार्तन सम टेम्पल, अंबारम बुद्धिस्ट टेम्पल, जम्मू इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड खान सुमेरा, ठीक है। सभी बताइए, एक बार रिविजन हो जाएगा। ज्योति मनोहर बता रही है MP में बिल्कुल दो हैं, ठीक है, सांची और हमने किया था खुजराव ग्रुप ऑफ टेम्पल। भारती जाटव आप बताइए आप कहाँ की बात कर रहे हो, ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हो। वेरी गुड, ठीक है, राजस्थान में आमेर फोर्ट की हमने बात की है, ठीक है। जो फिर हमने जो जो फोर्ट हैं, हिल फोर्ट्स हैं, उनकी बात की है, केला देव की बात की है, ठीक है। आलिया अफसा आप बिहार की बात कर रहे हो, बिहार में नालंदा महावीरा है, महाबोधि टेम्पल है वहां पे, बिल्कुल वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट गोइंग, प्लीज सब बता दीजिए, ठीक है। सभी अपने अपने कमेंट करके बताइए, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए एक बार फिर से। मुकेश जी हवा महल के अलावा और भी हैं जयपुर में, ठीक है, उनका भी आप नाम बताइए, सबके नाम बताने हैं, ठीक है। हवा महल वैसे है नहीं, ठीक है, तो ठीक है, हवा महल यूनेस्को की साइड में दर्ज नहीं है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हवा महल नहीं है मुकेश जी, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिए। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, सारे के सारे कमेंट मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और ठीक है, और बाकी कल हम कंटिन्यू करते हैं। इस कल हम करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आने हैं उसको हम करेंगे, ठीक है।